How are you all doing? This is your new chapter, Use of One and Many, from your book, Literary Journeys and English Reader Primer Book by Brainroot Series. तो हमारे चैप्टर का नाम है आज वन एंड मैनी. तो वन हम कब यूज़ करते हैं? वन होता है जब हम किसी एक चीज़ के बारे में बात करें, राइट? आपको वर्ड से ही समझ आ रहा होगा. वन मतलब कोई भी एक चीज़, और मैनी मतलब एक से ज़्यादा. सो मैनी इज़ यूज विद मोर देन वन. जब हम एक से ज़्यादा चीज़ के बारे में बात करते हैं ना, तो हम मैनी बोलते हैं. तो वन बॉल, मैनी बॉल्स, या फिर यहाँ पर टू है तो टू बॉल्स, ठीक है. वन काइट, फोर काइट्स. वन बलून, थ्री बलून्स, ठीक है. वन मैंगो, फाइव मैंगोज. वन बर्ड, टू बर्ड्स. देखो ये वन मैनी था. वन बैग. अब आपको ये एक्सरसाइज करनी है जिसके अंदर वन मैनी लिखना है. ये एक बैग है तो बैग, ये कितने हैं? थ्री बैग्स. ये एक बुक है, ये कितनी है? फोर है ना, तो आप लिखेंगे फोर बुक्स, ठीक है बच्चों. पेन, ये वन पेन है, ये कितने हैं? वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, तो आप लिखेंगे सिक्स पेन्स. ये मत भूलिएगा कि आपको लास्ट में एस ज़रूर लगाना है, क्योंकि प्लूरल चीज़ में एस ऐड हो जाता है. काओ, वन काओ है ये, और ये कितनी है? वन टू थ्री फोर फाइव काउस, तो आप लिखेंगे फाइव काउस, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है. वेरी गुड. Now identify the pictures and write the correct words. ये आपको identify करने और correct words लिखने हैं, ठीक है. चलिए इसे करते हैं. One banana, banana की spelling क्या होती है? B-A-N-A-N-A. Two, ये क्या है बच्चों बताइए? Two kites, और S मत लगाना भूलिएगा, क्योंकि S हम plural चीज़ के लिए ही use करते हैं. Four, ये क्या है? अंडे है ना, अंडे को English में क्या बोलते हैं? Eggs बोलते हैं, तो four eggs. Two टॉयज. नेक्स्ट वन बुक, ये एक ही है तो हम इसमें एस नहीं लगाएंगे, ठीक है. नेक्स्ट इज वन माउस, ये एक ही है तो इसलिए हमने वन माउस लिख दिया, एक ही चूहा है ना. चलिए, वेरी गुड. राइट, नाउ यू हैव टू फन एंड लर्न. नेम ऑफ वेजिटेबल्स, आपको इन वेजिटेबल्स के नाम को कंप्लीट करना है. सबसे पहले है ये, चलो पहले फर्स्ट ही देखेंगे. ये रहा फर्स्ट, ठीक है. फर्स्ट क्या है? पोटैटो. तो क्या आप इस पोटैटो को फिल कर सकते हैं? देखिए आप कर सकते हैं, नहीं, बिल्कुल कर सकते हैं. पो टै टो हो गया. सेकेंड आप पीस देखेंगे, चलिए पी ई ए एस पीस. फिर हमारे पास टोमेटो, टो मैटो. थर्ड हमारे पास है अनियन, सो ओ एन आई ओ एन, अनियन, ठीक है. इसके बाद हमारे पास फोर्थ हमने कर लिया. फिफ्थ है ब्रिंजल, बी आर आई एन जे ए एल. और लास्ट में सिक्स्थ है हमारे पास लेमन. तो ये सारे आप देख सकते हैं फ्रूट्स नेम है. कौन कौन से हमने पढ़े? सबसे पहले हमने पढ़ा पोटैटो, सेकेंड हमने पढ़ा टोमैटो, थर्ड हमने पढ़ा अनियन, फोर्थ हमने पढ़ा पीस, फिफ्थ हमने क्या पढ़ा था बच्चों? फिफ्थ हमने पढ़ी थी ब्रिंजल, एंड लास्ट सिक्स्थ हमने पढ़ा लेमन. तो ये सारे क्या हैं? वेजिटेबल्स नेम हैं. आपको इन्हें अच्छे तरीके से क्या करने हैं? लर्न करने. यू हैव टू लर्न दीज नेम्स प्रॉपरली. ओके एवरीवन, thanks for watching. That's it for this video. We'll meet you in the next one. Till then, goodbye and take care.